एडवेंचर है गणपति बप्पा घर पे आए हैं और 14 साल कैसे निकल गए, बप्पा ने बहुत इजी कर दिए, इतना जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो बहुत इजी कर दिया। तो 14 साल हम लोग तो हमेशा हर साल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत कुछ सुबह से तैयारियां, कल से इनफैक्ट 2 दिन हो गए ना तैयारी, 2 दिन से तैयारी कर रहे हैं हम लोग और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये कम रह गया वो कम रह गया, ये भी कर लेना चाहिए वो भी कर लेना चाहिए। तो बप्पा के स्वागत के लिए, बप्पा के आवभगत के लिए कितनी भी चीज़ें आप करते जाओ कमी होती हैं, लेकिन हमने हमारी तरफ से कोशिश की है कि हम लोग अच्छा डेकोरेशन कर सकें। मैं हमने इस बार डांसिंग बप्पा हम लोग लाए हैं घर पे और अगर आप देखोगे मूर्ति को तो आपको पता लगेगा कि मूर्ति बहुत ही डांसिंग और खुश मिजाज हैं और काफ़ी सेटल कहते हैं ना मस्त मौला टाइप के बप्पा हैं। और ये इस बार अविनाश ने सिलेक्ट की थी मूर्ति और एक बार अविनाश की नज़र पड़ी और हमने ये फाइनल कर दिया क्योंकि हम मुझे भी बहुत पसंद आया और अविनाश को भी ये था कि इस बार डांसिंग बप्पा आने चाहिए। मूर्ति चूज़ करने की तो ऐसी कहानी है कि हम लोग हमेशा सभी लोग 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले बुकिंग शुरू कर देते हैं बप्पा की मूर्ति की, तो तभी आपको अच्छे डेकोरेटेड मूर्तियाँ मिलती हैं और होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लेट करते जाते हैं तो वो उनकी तादाद कम होती जाती है और आपको फिर थोड़ा जो थोड़ा आपको मूर्ति जो चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। तो इस बार हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे और हमें जैसी मूर्ति चाहिए थी पप्पा की वो नहीं मिल पा रही थी, बट सडनली हमारी नज़र पड़ी और जो इसके जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने काम भी इतना खूबसूरत किया, इतनी अच्छी ज्वेलरी वगैरह लगाई और इतना कलर कॉम्बिनेशन संभावना की चॉइस थी, उन्होंने कलर्स थोड़े चेंज किए और इतनी खूबसूरत बनी। और जहाँ तक डेकोरेशन की बात है तो हमने काफ़ी 2-2.5 दिन तक हम लोग डे नाइट लगे रहे और उसके बाद ही डेकोरेशन संभव हो पाई, लेकिन उसमें भी पूरा जो कलर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन की जो सोच है वो संभावना की है, हमने सोच के रखा हुआ था कि कुछ भी कलर्स डालेंगे लेकिन हम लोग जो बेस है वो वाइट रखेंगे, तो जो मेन मेजर आप देखोगे चाहे वो मंदिर है चाहे बैकग्राउंड है चाहे आप ओवरऑल भी देखो घर का डेकोरेशन, तो वाइट मेन है, उसके बीच बीच में हमने कलर्स डाले हुए हैं तो जो कि धोती के कलर से मैच करता है वो पीछे का है, या फिर अगर आप इनका यहाँ साइड से देखोगे ये हंस जो है जो वो पूंछ है वो ऑरेंज है, तो ऑरेंज के अकॉर्डिंगली हमने फिर बाकी का ऑरेंज बीच बीच में फ्लावर्स डाले हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो वाइट का था और वाइट में थोड़े बहुत कलर्स डालने का था। ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स से शराब हो रहे हैं तो हमने सोचा कि जो बैकग्राउंड रखे वो हम वाइट रखें ताकि वाइट पीस का भी कलर है और वो खिल के आए पप्पा और ज्यादा। देखिए हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते, नहीं करते हैं क्योंकि हम फुल ऑन डाइट पे रहते हैं, लेकिन जब भी गणपति शुरू होते हैं तो उससे 1 दिन पहले हम लोग डाइट तोड़ देते हैं और 5 दिन हमें जो भी मोदक मिलते हैं जितने अच्छे मोदक होते हैं खूब खाते हैं और जितने मेहमान आते हैं उनको देते हैं और उनके साथ दोबारा फिर खाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल खूब दबा के मोदक खाते हैं। अच्छा मैंने तो बिल्कुल ही लोग ये भी मान सकते हैं कि मैंने वाइट का थीम रखा हो तो ड्रेस भी वैसी मैंने कर दी, तो कहीं ना कहीं वो ड्रेस भी मेरी वैसी है लेकिन इसमें थोड़े बहुत मैंने कलर्स लाइक रेड ऐड किया है, कानों में आप देखोगे मैंने ये रेड पहना है थोड़ा बहुत, तो आई जस्ट वॉन्टेड अ हिंट ऑफ यू नो लिटिल कलर, ज़्यादा मुझे टू मच वो नहीं कलर्स नहीं चाहिए थे, तो आप दुपट्टा थोड़ा सा मेरा हैवी देख सकते हो, हैवी भी नहीं है बट थोड़े बहुत पैचेज हैं रेड और ग्रीन के, बट ओवरऑल जो बेस है जो बेसिक कलर है वो क्रीम का है, तो मैं बड़ा सिंपल रहना चाहती थी, मैं बहुत टू मच ढिंचक नहीं करना चाह रही थी। पप्पा से बहुत कुछ मांगना है इस बार मांगना है और अभी तो पप्पा आए हैं अभी पप्पा को खिलाएंगे पिलाएंगे उसके बाद मांगना शुरू करेंगे, अभी तो 5 दिन तक पप्पा हमारे पास हैं, 5 दिन तक पहले खूब अभी सेवा करनी है इनकी, तो अभी क्या मांगना है ये तो बहुत डिसाइड नहीं किया है और मनोकामना तो सबकी होती है, ये नहीं आप कह सकते हो कि नहीं है, हम दोनों की होगी और हम दोनों ही नहीं बताएंगे आपको कि क्या है। यही कहना चाहेंगे कि पप्पा अपना आशीर्वाद हर किसी पर बनाए रखें और आप लोग भी पप्पा में पूरी श्रद्धा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें कि पूरे विश्वास पे दुनिया कायम है और अगर आप दिल से और सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से पप्पा की पूजा करते हैं तो आपको वो सब कुछ ज़रूर मिलेगा जिसकी आपको चाहते हैं। डेफिनेटली जहाँ अगर पप्पा जो ये सिर्फ मुंबई में नहीं मनाया जाता है अब तो ओवरऑल इंडिया में हर जगह मनाए जाते हैं गणेश उत्सव, पहले लोगों की सोच ऐसी थी कि सिर्फ मुंबई का ही त्यौहार है ये, लेकिन मेरे ख्याल से पप्पा को तो आप दिल से अपने घर पे सिर्फ लेके आओ इतने से भी लेके आओ लेकिन श्रद्धा से बिठाओ और उनकी दिल से सेवा करो तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, तो मैं ये कहूँगी कि दिल्ली हो मुंबई हो कहीं भी कलकत्ता हो कहीं पर भी हो लेकिन आप दिल से जब पप्पा को बुलाते हो और दिल से सेवा करते हो तो आपकी मनोकामना डेफिनेटली पूरी होती है। गणपति बप्पा मोरया।